नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भोजपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र पटवा का ग्राम सालेगढ़ में आगमन हुआ। इस अवसर पर ग्राम सालेगढ़ में स्थित प्राथमिक शाला में विधायक का फूल बरसा कर भव्य स्वागत किया गया। वही आपको बता दें कि ग्राम सालेगढ़ भोजपुर क्षेत्र में एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां की अच्छी शिक्षा व्यवस्था और सुंदर आकर्षित करने वाले स्कूल को देखते हुए शिक्षक नीरज सक्सेना को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ की गई, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने विधायक पटवा का स्वागत हार फूल के साथ साथ ग्रामीण लोकगीत के माध्यम से भी किया। इस मौके पर विधायक पटवा के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अनेकों योजनाओं के बारे में बताया एवं स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के द्वारा किए गए कार्यों को बताया। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित नीरज सक्सेना को पुरस्कार के साथ 50,000 की राशि प्राप्त हुई थी। उस राशि से शिक्षक सक्सेना द्वारा ग्रामीण महिला को साड़ी वितरित की गई, जिसे पटवा ने अपने हाथों से ग्रामीण वासियों को भेंट की। वही विधायक पटवा ने ग्राम वासियों को मंच के माध्यम से कहा कि ग्राम बेहरा से सालेगढ़ घर तक रोड नहीं है, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी को इस रोड के बारे में पत्र के माध्यम से अवगत कराता हूँ। साथ ही विधायक पटवा ने स्कूल में समस्त बच्चों के लिए आने वाले साल में एक एक ट्रैक सूट देने की घोषणा भी की। वही इस अवसर पर शिक्षक सक्सेना के बेटे का केक पटवा द्वारा कटवा कर जन्मदिन मनाया गया एवं एक पौधा जन्मदिन के अवसर पर लगाया गया। साथ ही नवीन पुस्तकालय का उद्घाटन भी विधायक द्वारा किया गया। वही विधायक पटवा का स्वागत ग्राम पंचायत सेमरी कला इटखेड़ी संकुल उमरई बहरा भी किया गया। इस मौके पर सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किशोर रामानी, हेमराज मीणा, प्रकाश पटेल, कमलेश राजपा, विनोद सोनी, कुमुद मीणा एवं ग्राम सांतरा से लोकेंद्र सिंह राजपूत एवं अनेक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी एमएल राठौरिया, ब्लॉक सीओ सुल्तानपुर, थाना प्रभारी, तहसीलदार एवं वन विभाग के अधिकारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सुल्तानपुर से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। आपका आगमन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सालेगढ़ स्कूल में हुआ है और आपने यहाँ का निरीक्षण भी किया, तो आप इस स्कूल के बारे में और शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूरे भोजपुर विधानसभा में और जिले में इस तरह के स्कूल होना एक बहुत बड़ी गौरव का विषय है, बहुत बड़ा गौरव का विषय है। और हम सब जिले के और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे नीरज सक्सेना जी को इस स्कूल के कारण राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर हमारे सालेगढ़ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे यहाँ के रहवासी हैं, ईंटखेड़ी पंचायत के रहवासी हैं, लगभग सभी लोग इस कार्यक्रम में अभी सम्मिलित हुए थे। नीरज सक्सेना जी के अनुरोध पर उनके बेटे का जन्मदिन था तो ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया। कुल मिलाकर लगभग 200 पेड़ यहाँ आपने लगाए हैं, 1500 पेड़ आपने लगाए हैं। इसके पहले 15 बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे प्राथमिक में, और जब से आप 9 साल से यहाँ शिक्षक हैं, 1400 बच्चे कम से कम हो गए। मैं नीरज सक्सेना जी को भी बधाई देता हूँ, सालेगढ़ के हमारे सभी रहवासियों को बधाई देता हूँ कि आप और हम सब लोग मिलकर ऐसे कामों की प्रशंसा करें और उनसे प्रेरणा लेकर इस मध्य प्रदेश और देश के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार हमारे पूरे मध्य प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करें कि हम भी हमारे दायित्व का निर्वाह करें और पूरी तरह से इस हमारे प्रदेश के और माँ धरती माँ के लिए काम करते हैं। क्योंकि भाई साहब ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे आने के लिए सड़क नहीं है, इस संबंध में आप इस एरिया क्या सौगात देना चाहेंगे? खेड़ी से बहरा तो हो चुका है प्रधानमंत्री सड़क में, बहरा से यहाँ आने के लिए मैं कल ही बात करूँगा प्रधानमंत्री सड़क में या PWD या मनरेगा तुरंत का बात करके इसको करवाएं। क्या भाई साहब इस स्कूल के लिए भी कोई सौगात दी गई आपकी तरफ? देखिए स्कूल के लिए यहाँ पर प्राइमरी से मिडिल की बात हुई है, शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से बात करके तुरंत उसकी घोषणा कराई जाएगी। यहाँ पर बाउंड्री वाल के लिए बात हुई है और एक विषय और आया था बाउंड्री वाल के अलावा, वो भी हम लोगों ने विधायक निधि से स्वीकृत किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।